आपकी वजह से मैं कहां से कहां पहुंच गई। मैं क्लब में एक मामूली डांसर थी, आज आपकी वजह से इन बच्चों ने मेरे पैर छुए, मुझे इज्जत दी। आज माँ होती तो बहुत खुश होती। ये सब आपने किया है मेरे लिए? मैंने कुछ नहीं किया, ये घर सब कुछ अब्बा का है। अब्बा? वो मेरे वालिद के बराबर है, अगर शुक्रिया अदा करना है तो उनका करना चाहिए। तुम खुश तो मैं खुश, मैं खुश तो अब्बा खुश। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मांग लेना। अगर मैं आपसे कुछ मांगू तो क्या आप दे सकेंगे? जान मत मांगना, इसके बाजार में कोई कीमत नहीं है। क्या आप मुझे अपनी जिंदगी में शामिल कर सकते हैं? सॉरी, मैं शायद अपनी हैसियत से कुछ ज्यादा ही मांग बैठी। नहीं, मेरी हैसियत जाने बगैर मांगा। मेरी जिंदगी में शामिल होने से पहले मेरी जिंदगी के बारे में कुछ जान लो, मुझे यकीन है उसके बाद तुम्हारी मांग बदलेगी। आओ। इस हाथ में कभी भी हथकड़ी पड़ सकती है। मां उससे बढ़कर कोई दोस्त नहीं है, हमेशा मेरे साथ चलती है। क्या अब भी तुम मेरे जिंदगी का हिस्सा बनना चाहोगी? दो अलग अलग दुनिया में जीते हैं हम। अलग अलग दुनिया में जीते थे, अब नहीं। जिंदगी में किसी दूसरे के लिए एक भी अच्छा काम करोगे तो सारे पाप धुल जाएंगे। चलो मुझे अपने घर ले चलो। सलाम। ये लोग कौन हैं? अब्बा के लोग हैं, मेरी हिफाजत के लिए। आपकी हिफाजत के लिए? हाँ, क्यों? पता नहीं, सड़क पर तो खुलेआम गाड़ी चलाते हो, किसी से डरते नहीं, आपको हिफाजत की क्या जरूरत है? सड़क पर आंखें खुली होती हैं, रात को सोता हूँ तो आंखें बंद होती हैं। आज से आप सोइए और मैं जागती रहूंगी। आओ। पहली बार इस घर में किसी औरत ने कदम रखा है। मैं यहां अकेला रहता हूं और ये तोतू यह है कविता। बेईमान, पहली मुलाकात में तुम्हारा हो गया। कितनी अच्छी हवा चल रही है यहाँ पे। गोली भी चल सकती है, कहीं मेरे हिस्से की मौत तुम्हें न मिल जाए। आओ, इधर आओ। कब से अकेले रहते हैं आप? बचपन से। घर वाले गुजर गए बचपन में। किसी की याद नहीं आती? कुछ यादें ही नहीं तो याद कहां से आएगी। ये आपका है? बाकी सब अब्बा का है, सिर्फ ये मेरा है। आप बजाते हैं? बजाता था। बजाइए ना। पहले बजाओ, फिर खाना खिलाऊंगा। सिर्फ दो ही साथी थे,
ये साज और सुदामा, इस आज की वजह से कभी भीख नहीं मांगनी पड़ी, गा बजाकर अपना पेट भर लेते थे। उम्र ऐसी थी कि भूख बर्दाश्त नहीं होती थी, हाथ तो साज बजाते थे लेकिन नजर रोटी पर टिकी हुई रहती थी। एक दिन कुछ लोगों ने खाने की लाज देकर मेरा साज तो सुना मगर खाने के बजाय गालियां सुनाई। साहब खाना, आपने कहा था ना इसे बजाओ तो खाना दोगे। बड़े रुबाब से मांग रहा है क्या, तेरे बाप से उधार लिया था साले। साहब गाली मत दो, हरामी साले जवान लड़ाता है। ये जुल्म मैं बर्दाश्त नहीं कर सका, बाप को देखा तो नहीं था लेकिन बाप की हुई गाली ने दिल गहरा जख्म कर दिया। अरे रुक 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 रुक, बड़ा बहादुर बच्चा है, क्या नाम है तेरा? गुलाम मुस्तफा। मुस्तफा कहाँ रहता है? ठिकाना नहीं है, यतीम हूँ। यतीम है? अच्छा मेरे साथ रहना बेटे। बेटा? अब्बा ये सुदामा है, मेरे साथ रहता है। अच्छा चल तू भी चल, आजा बैठ जाओ गाड़ी में, आजा। हाथ हटाओ। जिंदगी पहली बार इतनी खूबसूरत बनकर मेरे सामने आई है, दोबारा कभी अपना चेहरा मुझसे मत छुपाना। क्या हो रहा है मुस्तफा? कुछ नहीं, गाड़ी जरा खराब है। जीती रहो, वो तो मैं देख रहा हूँ, लेकिन मेरी बच्ची को क्या अपनी तरह लोहे का समझा है जो धक्का लगवा रहे हो? मैंने कहा नहीं, वो खुद ब खुद। जा बेटी गाड़ी ले जा मेरी। नहीं अब्बा ठीक है, हम चले जाएंगे। मुस्तफा अब्बा का हर लब सरा को पर अब्बा। जा बेटी जा। और सुन इसकी नजर उतार लेना, इसको किसी की नजर ना लगे। जा जा। क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोक दी? एक मिनट। ये हार किस लिए है? शादी करनी है आज अभी। शादी आज? पर कैसे? क्यों, कोर्ट में जाएंगे, तुम दस्तखत करना, मैं अंगूठा लगाऊंगा, हो गई शादी। चलो कुछ गहने खरीदते हैं। मुझे गहने वहने नहीं चाहिए, मुझे बस सिर्फ एक मंगलसूत्र चाहिए। वो हम लोगों में नहीं पहनते। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे मंगलसूत्र चाहिए बस। नहीं पहनते कहा ना, बस। चलोगी? आखिरी बार पूछ रहा हूं, चलोगी? मर। सलाम। सलाम मुस्तफा भाई, आपके ऑर्डर के सारे गहने तैयार हैं। शुक्रिया, मुझे वो ये चाहिए, मंगल सूत्र। मंगल सूत्र? हाँ। ये देखिए। शुक्रिया। मंगलसूत्र नहीं दिला सकते। ऐ कविता।
मुझे गहने वहने नहीं चाहिए, मुझे बस सिर्फ एक मंगलसूत्र चाहिए, बस सिर्फ एक मंगलसूत्र चाहिए, बस सिर्फ एक मंगलसूत्र चाहिए। शादी आज? पर कैसे? पर कैसे? क्यों, कोर्ट में जाएंगे, तुम दस्तखत करना, मैं अंगूठा लगा दूंगा, बस हो गई शादी। तेरा गम मेरा गम एक जैसा सनम, हम दो लग जागले दिल जाने। ए, अपना चेहरा मुझसे मत छुपाना, जिंदगी पहली बार इतनी खूबसूरत बनकर मेरे सामने आई, खुदा के लिए अपना चेहरा मुझसे मत छुपाना। जानता नहीं कौन हूं मैं, चलाक पिजाट, वरना दांत तोड़ दूंगा, चल। मेरी तरह लगता है, आईना लोहे का जिगर रखते हो मुस्तफा, कविता की मौत को सहन कर लेना मेरे लिए तो मुश्किल था, लेकिन ये घाव तुमने बड़ी हिम्मत से सहन कर लिया है। आओ। मुस्तफा मुस्तफा ए मुस्तफा, नहीं अब्बा, पहली बार मैं सह नहीं पाया, कविता के साथ मेरा ऐसा रिश्ता था जो सिर्फ मेरा अपना था। मुस्तफा अब कोई नहीं है मेरा, यतीम था, यतीम रहूंगा, यतीम मरूंगा। क्यों ऐसे बोल रहा है, मैं कोई नहीं हूं तेरा, हाँ कोई नहीं हूं मैं तेरा, हाँ मैं कोई नहीं हूं क्या? मैं हूं ना मुस्तफा भाई, सगा नहीं तो क्या हुआ, सगे भाई के जैसा हूं। अरे तू तो मेरा बेटा है, मेरे मरने के बाद मेरा कर्म कांड तो तू ही करेगा। हाँ
ए मुस्तफा, मुस्तफा चल चल उठ, काम की बात करते हैं। आजा आजा। देख, मैंने सुना है कि राजा बाबू चौधरी की पार्टी आम सभा की तैयारी कर रही है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ। आप चाहते हैं कि वो आम सभा शोक सभा में बदल जाए? यही चाहता हूँ। ये नहीं होगा अब, मुझे माफ कीजिए। आज तक मैंने आपके लिए बहुत खून बहा, मेरी वजह से कई औरतें बेवा हो गई, कई बच्चों के सर से अपने बाप का साया उठ गया। अब ये सारा मुझसे नहीं होगा अब्बा। मुस्तफा, ये क्या कह रहे हो तुम? मैंने दूसरों के घर उजाड़े ना, इसलिए अल्लाह ने मुझे बेघर कर दिया। बसते बसते मेरा घर उजड़ गया, कविता चली गई, मैं अकेला हो गया। मुस्तफा, हमारे धंधे में ऐसा बोलना बुजदिली है, यहाँ जज्बातों की कोई कीमत नहीं है। मुझे नहीं चाहिए ऐसी जिंदगी, मुझे माफ दो। मुस्तफा, अब क्या करेगा तू? उसने रुलाया है वही हंसाएगा, अल्लाह बड़ा बादशाह है। अब्बा का कोई पैगाम लाया तो वापस चला जा। क्यों मुस्तफा भाई, मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकता? क्यों नहीं आ सकता? चल आ, बैठ। कैसा चल रहा है मुस्तफा भाई? चल रहा है, अल्लाह कोई काम नहीं दे रहा है, बेकार बैठा हूं, बच्चों के साथ दिल बहला रहा हूं। मुस्तफा भाई, वो दयानंद दीक्षित याद है जिसके घर के बाहर पैसे लटका कर आए थे? वो अब भी वहीं लटक रहे हैं। वाकई ईमानदार आदमी है, ये दुनिया उसे जीने नहीं देगी। वही तो हुआ है उसके साथ, रिश्वत के इल्जाम में अंदर किया है उसको। बीवी बेचारी अस्पताल में है, बच्चों की हालत यतीमों से भी बदतर है। जिंदगी में किसी दूसरे के लिए एक भी अच्छा काम करोगे तो सारे पाप धुल जाएंगे। शुक्र है तेरा महबूद। जब तक आप पैसों का इंतजाम नहीं करते, हॉस्पिटल उन्हें डिस्चार्ज भी तो नहीं कर सकती। अब उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है, अजीब तमाशा है, ये हॉस्पिटल है, कोई मुसाफिर खाना तो नहीं। आप कहीं से भी पैसों का इंतजाम कीजिए, समझे? लेकिन हम इतने सारे पैसे कहां से लाएंगे? That's your problem. मैं दूंगा। कितने पैसे? 55,000। माँ को संभाल कर ले जाना, डरना नहीं, दीक्षित की जमानत हो जाएगी, वो भी जल्दी लौट आएंगे। लेकिन हम ये पैसे, इसके बदले में तुम्हें कोई गलत काम करना नहीं होगा, इस बात का घर में पता न चले तो अच्छा होगा। यहाँ साइन कीजिए। ये क्या है, कौन हो तुम? गुलाम मुस्तफा। ओ, वही मुस्तफा जिसने दीक्षित की जमानत करवाई थी, तो यहाँ क्या करने आओ? गुंडा कर दी जबान जबान। ये क्या है? जरूरत पड़े और मांग लेना, शर्माना नहीं। दीक्षित की नौकरी उसे वापस कर दो। मेरे साथ सौदा करने आयो, निकल जाओ यहाँ से। बेहतर है तू अपना इरादा बदल दे, नहीं तो मैं तेरा नक्शा बदल दूंगा। देखो, रिश्वत देने के जुर्म में मैं तुम्हें गिरफ्तार कर सकता हूँ, तेरे जैसे गुंडे से मैं डरता नहीं हूँ, मेरी ईमानदारी बिकाऊ नहीं है। गलती हो गई यार, गलती हो गई, गवर्नमेंट के आदमी होना समझा, पैसे से गलती हो गई। चलो मैं अपना इरादा बदल देता हूँ, तुम खुद ईमानदार हो, एक ईमानदार की हालत तुम ही समझ सकते हो। चलो मेरे साथ। कहाँ? दीक्षित के घर।